आज दूसरे दिन आप सभी का स्वागत है जी। और मैं इमरान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके प्रयासों से आज हम सब के लिए इन दिनों को बहुत कारगर सिद्ध किया है और रोज नए नए विषयों के साथ, नई नई क्वेरीज के साथ, नई नई चीजों के साथ आप हम सब के साथ हाजिर हैं। और मैं अधिक समय नहीं लेते हुए सीधे इमरान जी को ऑफर करना चाहूंगा कि आप सामने आए। जी सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी सबको म्यूट कर रहा हूं सर, जिससे डिस्टरबेंस ना हो और हम हमारे टॉपिक पर बात कर पाए। और जो साथी जिनके इंटरनेट स्पीड थोड़ी कम है उनसे आग्रह करूंगा कि आप चाहें तो ऑडियो को तो बंद कर ही लें, वीडियो भी बंद कर सकते हैं क्योंकि उससे आपको आवाज अच्छे से सुनाई देगी। ठीक है सर, तो वर्चुअल क्लास के बिल्कुल करें स्टार्ट। वर्चुअल क्लास के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसी को आगे बढ़ाते हुए है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे एजुकेशन में यूज करेंगे और कैसे हम इस समय को, जो कोरोना लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, इसको अपने स्किल को आगे बढ़ाने में प्रयोग ले सकेंगे, ये कुछ कर रहे हैं। तो इनसे संबंधित हम बातें करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शिक्षा में स्मार्टफोन का प्रयोग करने की बात है कि कैसे हम केवल स्मार्टफोन के माध्यम से, क्योंकि स्मार्टफोन जो टूल है वो तो आप ये मानिए हम सभी के पास मौजूद है। और जब हमारे पास ये टूल मौजूद है तो हम उसको अपने टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटीज है उनमें हम कैसे यूज करेंगे और खुद के स्किल को आगे बढ़ाने में, क्योंकि टीचर तो हमेशा लर्नर तो बना ही रहता है, वो सीखता तो रहता ही है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे और कैसे, कौन कौन से टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम चीजों को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्मार्टफोन के यूज की जब बात आती है तो हम सीधा सीधा पहुंच जाते हैं कि भाई एप्स की हम बात कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में, आज के इस सेशन में हम आपके साथ हमारी भी जो एक यात्रा है उसको साझा करना चाहेंगे, क्योंकि इससे लगेगा, ये महसूस होगा कि एक जब टीचर कर सकता है तो फिर सभी टीचर साथी उस काम को कर सकते हैं। तो एक स्लाइड के माध्यम से भी मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें जरूर शेयर करना चाहूंगा। अभी तक स्मार्टफोन को जब हम एजुकेशन में यूज करने की बात करते हैं तो ज्यादातर हमारे शिक्षक साथी उसको व्हाट्सएप ग्रुप, कोई सरकारी आदेश आया उसको हमने प्राप्त कर लिया, उसके माध्यम से हमने कोई डाक है उसको भेज दी, यहाँ तक समझते हैं। मुझे लगता है कि ये सेकेंडरी टास्क होती है एक टीचर के लिए। जो प्राथमिक टास्क है जिसके लिए पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरे स्कूल्स और पूरा स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है वो तो शिक्षण ही होता है, यानी कि जो छात्र हैं उनको सिखाने वाली बात होती है। तो हम जो प्राथमिक टास्क होती है उसमें कैसे कनेक्ट करेंगे, उस बात को लेकर के हम आज अपनी बात कर रहे हैं। अच्छी बात यह कि हमारे साथ धावरिया जी हैं और मैं आपको बता दूं धावरिया जी अधिकारी तो है ही हैं, हमारे गुरु भी हैं, आईटी में जो भी हमने सीखा है वो इनसे ही सीखा है। तो आज थोड़ा हमारा सेशन झिझक के साथ चलेगा, क्योंकि जब आपका गुरु आपके सामने बैठा हो तो आप निश्चित है कि उतने तरीके से बात नहीं कर पाएंगे। पर अगर मैं झिझकू तो आप ये समझना कि ये गलती हमारे धावरिया जी की है, उनकी वजह से मैं झिझक रहा हूँ। और अगर सब कुछ सही जाए तो समझ लो कि भाई धावरिया जी ने इजाजत दे रखी है, तो मैंने अपना पल्ला पहले ही झाड़ लिया है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन को बिल्कुल भी बोरियस ना होने दो, हम पूरे दौरान टेक्नोलॉजी की तो बात करें ही करें पर टेक्नोलॉजी बड़ी नीरस होती है, तो बीच बीच में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें आपके साथ करें। बीच में मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगा। एक बात जो अभी कह दूं, अगर किसी वजह से, टेक्निकल वजह से ये सेशन बीच में कट जाए तो वही पासवर्ड, वही मीटिंग आईडी रहेगी और हम फिर से यही मिलेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। 2009 में पहली बार मुझे कंप्यूटर मिला था। मैं अपनी स्टोरी से ही शुरू करता हूँ। बहुत सारे ऐसे साथी हैं शिक्षक जिनसे मैं कभी नहीं मिला और बहुत मैसेज मेरे पास ऐसे आते हैं, वो जानना चाहते हैं कि सर आपने ये कैसे कर लिया। मैं ये चीज इसलिए साझा कर रहा हूँ उसके बाद आप में उत्सुकता ये जग जाएगी कि जब एक शिक्षक हमारे साथ का ही टीचर ये कर लेता है तो फिर आगे हम क्यों नहीं कर सकते और हम भी करेंगे।
एक इंजीनियर अगर कुछ कर रहा है तो हम उसकी कंपेयर नहीं करते क्योंकि वो तो उसका काम है, लेकिन अगर टीचर्स कर रहे हैं तो अदर टीचर्स भी कर सकते हैं। 2009 में पहली बार मैं कंप्यूटर से जुड़ा और आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटर का मैंने क्या किया हुआ है। मैंने 6 महीने तक उस पर गेम खेले, बहुत सारे गेम खेलता था, और गेम खेलते खेलते उनकी जब स्टेज पार हो जाती है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे दुनिया खत्म हो रही है, क्योंकि अब तो गेम में कुछ बचा ही नहीं। ये जो एडिक्शन है हम हमारे बच्चों में भी देखते हैं, आप घर पे भी ये महसूस करते होंगे कि बच्चे जो मोबाइल को तुरंत पकड़ लेते हैं लाओ, और उसका करता कि करते क्या है, सिर्फ उसमें गेम खेलते हैं। तो ये जो एडिक्शन था ये एक्चुअली मुझे भी हो गया था, और उससे फिर निकलने के लिए जब चूंकि इनकी स्टेज पार हो गई तब मुझे लगा कि यार ये तो काम खराब हो जाएगा क्योंकि अब स्टेज बची नहीं। तब उसको एक शिक्षक के रूप में मैंने ये सोचा कि क्यों ना इनका प्रयोग, कुछ जो हम सीख रहे हैं ये कंप्यूटर है, इसका प्रयोग हम एजुकेशन में करें। और एक कहावत है हिंदी में, जहां चाह वहां रहा, कि अगर आपके मन में चाह है, आप कुछ सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो ईश्वर रास्ता जरूर दिखाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजेश लवाने जी को आप जानते हैं, राजेश जी एक दिन स्कूल में आए थे और उन्होंने मुझे एक वेबसाइट के बारे में बताया। आप सुनिए, 2009 में वेबसाइट, हमारे भी हमें से बहुत सारे साथी शायद ही तब तक वेबसाइट उन्होंने नहीं खोली, कैसी वेबसाइट होती है, कौन से मेल होते हैं। तो राजेश जी, मुझे पता नहीं आज हमारे सेशन में है या नहीं है, अगर होंगे तो वो सुन रहे होंगे कि सेम यही हुआ था कि वो स्कूल में मेरे यहाँ बाला का काम होना था और मैंने कहा यार कुछ आइडिया बताइए क्या क्या करवाना है। बोला आप ऐसा करो, ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे हमारी बाला की बुक वहां पर पड़ी हुई है, तो उस बाला की बुक को आप डाउनलोड करो। हम इतने सीख चुके थे कि मोबाइल निकाला, फट से बाला की बुक उस पे से डाउनलोड की और मैंने दिखाई, सर यही है क्या। तो इन्होंने देखा कि यार एक टीचर है जो ऐसा कर रहा है, और उसके बाद मुझे फिर डाइट में इन्होंने कॉन्टेक्ट कराया धावरिया जी से, स्वामी जी उस समय हमारे प्रिंसिपल थे डाइट के, और बस चीजें बदलती चली गई। क्योंकि जब आपके पास अगर कुछ है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो ईश्वर आपको रास्ता दिखाता है, बस फिर आपको उस रास्ते को पकड़ना है। दावरी जी के सानिध्य में हमने एक चीजें सीखी, सीख करके करते गए, पहले बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई, मोर देन 50 वेबसाइट्स स्कूल्स की बनाई 2010-11 में। आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स की सेपरेट वेबसाइट नहीं होती, लेकिन उस समय आशुतोष जी जिला कलेक्टर होते थे, उन्होंने कहा कि वेबसाइट बनाओ, और हमने वेबसाइट बनाई 50 स्कूलों की सेपरेट सेपरेट। मैं यहाँ ये स्टोरी आपको क्यों सुना रहा हूँ, इसलिए नहीं कि इससे मैं अपना कोई बहुत हुनर आपके साथ प्रदर्शित कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चीजों को सीखने के दो तरीके होते हैं, एक अप टू डाउन होता है, एक डाउन टू अप होता है। अप टू डाउन में क्या होता है कि आप पहले कोड सीखिए, पहले आप टेक्नोलॉजी सीखिए, फिर आप यूज करके कोई स्टेप बनाइए। एक होता है डाउन टू अप। डाउन टू अप में क्या होता है कि आपके पास कुछ नहीं होता, बिल्कुल ब्लैंक, आपको लगता है कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, मुझसे अगर ये हो जाए, या मैं कुछ ऐसी चीज बना लूं जो आपकी जरूरत की है, जो आपको लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, तो आप फिर उसके रास्ते ढूंढते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करें। जैसे साइंस काम करती है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को फिर बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी सिनेरियो उसमें ढूंढते हैं और अंत में एक निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे साथ यही हुआ कि शिक्षक के रूप में हमें लगता था कि टेक्नोलॉजी का कैसे हम प्रयोग करें, बच्चे मोबाइल में दिन रात लगे रहते हैं, तो क्यों ना इस मोबाइल का प्रयोग करते हुए हम कोई ऐसी चीज बनाएं कि बच्चे उस पे गेम खेलने के बजाय एजुकेशन या कुछ ऐसी चीजें सीख पाएं जो उनके भविष्य में उनके भविष्य के निर्माण में कारगर साबित हो। तो इस सोच को रखते हुए हमने ये चीजें शुरू की। 2009-10 में ही मैं ऐसी छोटी वेबसाइट्स के ऐसे बंडल बना लिया करता था कि उनको हम पेरेंट्स के मोबाइल में डाल दें, तो वो एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत सारी जानकारी ऑफलाइन मिल पाए। शायद वो उस समय ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल ऐसी चीजें अलग तरह की और इनको कोई समझ नहीं पाएगा, पर अगर वो नहीं किया होता, वो संघर्ष नहीं किया होता, तो फिर हम ये जो पूरी यात्रा है जो मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा, हमारे साथ यूथ यंग साथी बहुत हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग जरूर इसको ध्यान से देखेगा, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ करना है, और जो यंग नहीं है वो भी ध्यान से देखें कि कभी भी हम जब करना चाहें और कुछ रिमार्केबल करते हैं तो उसके लिए उसको पहचानने वाले भी आपको मिलेंगे, उसको सपोर्ट करने वाले भी मिलेंगे, और उसको आगे लेके जाने वाले मिलेंगे। मैं उन तीनों का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। राजेश लवानिया जी मुझे मिलते हैं जो धावरिया जी तक पहुंचाते हैं, मुझे धावरिया जी मिलते हैं जो गाइड भी करते हैं, सिखाते भी हैं, और फिर कलेक्टर साहब और स्वामी जी सब तक पहुंचाते हैं, फिर कलेक्टर साहब मिलते हैं आशुतोष जी जो मुझे
एचआरडी तक पहुंचाते हैं, मुक्तानंद जी एचआरडी तक पहुंचाते हैं, और फिर पीएम साहब जो दुनिया में पहुंचाते हैं। यानी कि अपने आप रास्ता आपको खुलता चला जाता है। तो हम आपके साथ एक पावर पॉइंट शेयर करेंगे और आप शायद आपको कुछ चीजें उसमें ऐसी मिल जाएं जो उपयोगी हो किसी मायने में। यस, ये एक पावर पॉइंट है जो टीचर्स के लिए, मुझे लगता है जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उनको इस पे काफी कुछ इसमें मिलने वाला है। और ये मैंने आप लोगों के लिए नहीं बनाई, मैं कई बार आईएएस एकेडमी और कई जगह बड़े बड़े मंचों पे जाता रहता हूँ, तो इसी शैली में जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इसी पावर पॉइंट से खूब आराम से घंटा दो घंटा निकाल के आता हूँ। लेकिन आज मैं कोई ऐसी बात नहीं कहने वाला, आज हम इस पे डीपली बात करने वाले हैं। ये एक स्लाइड बड़ी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि शिक्षक से बेहतर इसको कोई नहीं समझ सकता। हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। अगर आपने एक फिल्म देखी हो आई एम कलाम, अगर आपने एक फिल्म देखी है आई एम कलाम, तो उसमें दो किरदार होते हैं। आप इस फोटो में देखिए, एक छोटू होता है और एक कुंवर रणविजय सिंह जो इसमें दिखाई दे रहा है वो होता है। दरअसल वो फिल्म जो है वो हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिनारियो है उसका सटीक चित्रण है। हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक जो हमारे पास सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं, एक वो जो थोड़े से सक्षम हो जाते हैं। और थोड़े से सक्षम होते ही सबसे पहला काम उनका ये होता है कि सरकारी स्कूल से बच्चों को निकालो और प्राइवेट में डालो। आप शायद इसको बेहतर जानते हैं कि अगर कोई रिक्शे चलाने वाले का रिक्शा 4-5 दिन अच्छे से चल जाए तो पहला काम क्या करेगा, जाके सरकारी स्कूल से बच्चे को निकालेगा और प्राइवेट में डाल देगा। लेकिन ये जो सीन है ये इनइक्वलिटी इन एजुकेशन है, और चीजें हम कभी समानता आ पाए या ना आ पाए, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी समानता आनी चाहिए, जिसकी बात मैं बहुत बहुत शिद्दत के साथ इस बात को कहता हूँ कि अगर किसी फैमिली को आगे बढ़ाना है, किसी समाज को आगे बढ़ाना है, किसी गांव को आगे बढ़ाना है, तो वहां पर इनइक्वलिटी इन एजुकेशन को खत्म कर दीजिए, हर बच्चे को एजुकेशनल इक्वलिटी उपलब्ध कराइए। अब से पहले का जो सीन था, अगर हम जाएं 100-200 साल पहले, तो कुछ वर्ग को पढ़ने के लिए सुविधाएं मिलती थी, उनको परमिशन भी मिलती थी, बाकी को नहीं मिलती। फिर बाद में किताबें आई तो और लोग भी पढ़ने लगे। चलो सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, हम देख रहे हैं डीपीपी, बहुत सारी चीजें आई। और अब जो आईटी जो आई है, ये एक ऐसा जादू मान लीजिए आप कि जो सबसे ज्यादा इस चीज को चेंज कर सकता है कि एजुकेशन में इक्वलिटी कैसे लाई जाए, इस पर सबसे ज्यादा ये काम कर सकता है। कैसे? सपोज एक गांव का बच्चा है, आप उसको कहिए कि चलो नासा के बारे में जानना है, और एक शहर का बच्चा है उसे बेग नासा के बारे में तुम्हें शाम तक जितनी जानकारी हासिल कर सको कर लेनी है, नासा आप जानते हैं। अब से पहले क्या था, गांव वाले को तो ना तो कोई बताने वाला, ना कोई किताब, ना कोई वो नहीं कर सकता था। लेकिन एपीएस का पढ़ रहा बच्चा, उसके पास तो घर पे भी उसके नेट लगा हुआ है, कंप्यूटर भी है, माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, 2 मिनट में उसको जो चाहिए वो मिल जाता है, अच्छी सच्ची किताब मिल जाती, ट्यूटर भी लगा हुआ है, ट्यूशन पढ़ने जाता है, कोचिंग भी जाता है, तो वो सब मिल जाता था। लेकिन गांव वाले को नहीं मिलता था, या गरीब परिवार वाले को नहीं मिलता था, चाहे वो शहर का ही क्यों ना। लेकिन आईटी ने इस गैप को ही खत्म कर दिया। कैसे कर दिया? कि अगर आपको नासा के बारे में जानना है, दोनों के पास फोन है, दोनों एक साथ सर्च करेंगे नासा, और गूगल दोनों को एक साथ समान चीजें उपलब्ध करा देगा, और वो समान रूप से उसको ग्रैप कर पाएंगे, वो उनकी कैपेसिटी, वो उनका आईक्यू लेवल है, वो कैसे सीख पाते हैं, फिर कॉम्पिटिशन होगा जब देखा जाए। आप देखिए कितना बड़ा जो अंतर था, जिसको सदियों से जिसको समाज नहीं पाट पाया था, उसको एक एक टेक्नोलॉजी ने उसको पाट के रख दिया। और वो टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी का एक्सटेंडेड रूप आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है इंफॉर्मेशन का, उसको हम टेक्नोलॉजी से कैसे करें, ये आईसीटी बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका अपने एजुकेशन में निभा रहा है। आप इस एक उदाहरण से इस बात को समझ लीजिए कि जिस इनइक्वालिटी को हम सदियों से खत्म नहीं कर पाए, उसको 1 मिनट में खत्म कर दिया। अब हम शिक्षक के रूप में हमारी क्या भूमिका हो गई? अब हमारी भूमिका ये हो गई कि हम इस आईटी को बच्चों को अगर सही से इसका यूज करना सिखा दें, तो कोई बच्चा अगर किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाता है, कोई मैडीजी में जाकर के दिल्ली में अगर कोचिंग नहीं कर पाता है, तो घर बैठे मैडीजी का कोर्स वो कर सकता है और सस्ते में कर सकता है। जोधपुर के उत्कर्ष में जाकर के आ रहे हैं इसकी तैयारी करने के लिए, उसके पास पैसे नहीं है, कमरे के किराए के लिए पैसे नहीं है, तो उत्कर्ष का ऐप इंस्टॉल करके वो बहुत सस्ते में उत्कर्ष के
पढ़ाई को पढ़ सकता है, ना केवल उसको पढ़ सकता है अपितु जो सेशन किसी टीचर ने मान लीजिए सुबह 8 बजे पढ़ाया, उस दिन वो किसी काम से बिजी हो गया, तो शाम को उसी सेशन को वो फिर से पढ़ सकता है। आप सोचिए ये टेक्नोलॉजी की पावर है। तो आईसीटी की जब हम बार बार बात कर रहे हैं, इन सेशन में हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम एक इतने बड़े बिंदु पर बात कर रहे हैं जो सदियों से चलता आ रहा था। खैर मैं लंबी बात नहीं करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। अब एक प्रश्न ये आता है कि भाई इक्वलिटी इन एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, क्यों इक्वलिटी क्यों चाहिए? बड़ा बड़ा मतलब साधारण सा लगता है कि नहीं यार इक्वलिटी तो होनी चाहिए, हर आदमी बराबर इक्वलिटी होनी चाहिए। नहीं नहीं, इससे बहुत ज्यादा गंभीर ये मसला है। गंभीर क्यों है? आप ये तीन फोटो देख रहे हैं, कलाम साहब देख रहे हैं आप, एडिसन साहब देख रहे हैं और रामानुजन देख रहे हैं। अगर इनको अवसर नहीं मिलते तो क्या फर्क पड़ता? आप कहोगे साहब कलाम साहब राष्ट्रपति नहीं बनते, रामानुजन गणित में खोज नहीं करता, एडिसन बल्ब नहीं बनाता, कोई और बना देता, क्या फर्क पड़ता है? बात इतनी सी नहीं है, बात यह है कि अगर एडिसन को मौका नहीं मिलता और ये बल्ब नहीं बनाता तो 10 साल बाद कोई और बनाता, मान लो जॉनसन बनाता, 10 साल ये दुनिया अंधेरे में रहती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो 10 साल जो पूरी ह्यूमैनिटी जिसमें अंधेरे में रहने वाली थी उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई ये एजुकेशन करती है। इसलिए इक्वलिटी इक्वलिटी जरूरी है, क्योंकि रामानुजन साहब ने गणित में जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी उन्होंने थ्योरीज दी, आज तक उसके आधार पर कंप्यूटर में बड़े बड़े विकास हो रहे हैं, राइट? आप सोचिए कि कोई बात नहीं, रामानुजन नहीं खोजता, क्या है, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क यह है कि शायद कंप्यूटर इतने फास्ट नहीं चलते, शायद आज आप और हम जूम पे बात नहीं करते, शायद कोरोना के दौरान जो AI यूज हो रही है और जिस तरह से उसके माध्यम से इसका प्रयोग किया जा रहा है, शायद वो नहीं होता। खैर हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, और लोगों को समझाता तो मैं बहुत डिटेल में चला जाता हूँ, बट हम शिक्षक हैं, हम इशारे में ही समझ जाते हैं कि इक्वलिटी इन एजुकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इंटेलिजेंट, जो टैलेंटेड, जो हार्ड वर्किंग, जो ऑनेस्ट लोग होते हैं वो पूरी ह्यूमैनिटी के एसेट होते हैं और वो कभी जाया नहीं जानी चाहिए। ये आप भी ध्यान रखिएगा जो हमारे शिक्षक साथी हैं, कि आपके स्कूल्स में जो बेहद इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी परिवार के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो किसी कोई भी क्यों ना हो, उसको जरूर आगे बढ़ाना है। अगर उसको हमने नहीं बढ़ाया तो आप समझ लीजिए कि एक आइंस्टाइन कम हो जाएगा, उससे लॉस हुआ हुआ मैंने बताई दिया आपको, एक रामानुजन कम हो सकता है, एक कलाम साहब कम हो सकते हैं, बाकी मैं लिस्ट तो बहुत गिना सकता हूँ, पर आप इससे आइडिया लगा लें कि अगर ये तीन लोग नहीं हुए, कलाम साहब नहीं हूं, तो क्या होगा? आज हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, अगर उसके बैक में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि कलाम साहब की बनाई मिसाइल्स कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, राइट? तो हम इस पे इस बिंदु को समझें कि इक्वलिटी इन एजुकेशन क्यों जरूरी है, केवल सिंगल व्यक्ति या सिंगल परिवार के लिए नहीं अपितु पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने एजुकेशन में शिक्षक के रूप में इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस किया, और टीचर के रूप में हमेशा ये सोचा कि क्यों ना हम आईटी का यूज करें, और फिर हमने ये जो प्रयोग किए हैं वो कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये हमने एजुकेशनल वीडियोज बनाए, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको वो सारे मिल जाएंगे। इमरान ऐप गुरु इमरान नाम से मेरा चैनल है, आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज मिलेंगे जिनको आप क्लास में यूज कर सकते हो। मैंने कभी भी ये वीडियो इसलिए नहीं बनाए थे कि कहीं हम इनको यूज करेंगे, मैंने मेरी स्कूल में पढ़ाने के लिए ये वीडियोज बनाए थे, और फिर बाद में जब मौका मिला तो हमने इनको डाल दिया। वेबसाइट्स डेवलप की, उससे स्मार्ट एंड्रॉयड एप्स बनाए जिनकी हम टोटली आज बात करने वाले हैं, पीपीटी, पीडीएफ, इन्फोग्राफिक्स, ये बहुत सारी चीजें। ये वर्ड्स आप चाहें तो कुछ साथी जो अगर नोटबुक आपके पास हो तो कुछ वर्ड्स को जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड्स बड़े काम के होते हैं। कोई एक वर्ड आपने पकड़ लिया और उस पर ही काम कर लिया तो हो सकता है कि वो आपको बहुत आगे ले जाए। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फोग्राफिक्स। क्या है इन्फोग्राफिक? एक इमेज, उसमें उसकी इंफॉर्मेशन वेरियस टाइप अगर है, कोई माइंड मैप है, तो वो पूरी एक किताब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और सीखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कुछ चीजें रही। अभी जो हमारे ऐप्स हैं वो तीन तरह के हैं। मैं हमारे ऐप्स इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा हमने शिक्षक वर्ग के लिए बनाया, शिक्षा समुदाय के लिए बनाया, और इनमें से जो 50 ऐप्स थे वो 2015 में मौका मिला तो हमने HRD को दे भी दिए थे। तो तीन तरह के ऐप्स हैं, प्राइमरी क्लासेस के ऐप्स हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। मैं आपको बाद में इसी सेशन में ना केवल मेरे ऐप्स बल्कि प्राइमरी में और कौन कौन से ऐप्स हैं जिनको आप यूज करें और जिसका फायदा बहुत जबरदस्त मिलेगा वो नोट कराऊंगा। प्लीज आप उनको ट्राई कीजिएगा इस लॉकडाउन के दौरान, और अपने बच्चों के साथ, जो घर में बच्चे हैं उनके साथ यूज कीजिएगा, क्योंकि फिर जब स्कूल में मौका मिलेगा तब आप उनको स्कूल में यूज कर पाए।
सेकेंडरी क्लासेस के ऐप्स हैं और बाकी ऐप्स कंपटीशन क्लासेस के हैं। ये बाय चांस मान लीजिए, ये मौका मान लीजिए कि मैं प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ, प्राइमरी में बहुत काम किया, सिंगल टीचर भी रहा, उसके बाद मैं अभी वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल में 12वीं तक रहा हूँ, सेकेंडरी क्लासेज में काम किया और मुझे कॉलेज एजुकेशन ने डेपुटेशन पर 2 साल अपने साथ रखा, 2 ईयर्स। तो 2 साल जब डेपुटेशन पर मैं कॉलेज एजुकेशन में रहा तो कॉलेज एजुकेशन के लिए भी काफी काम किया। तो नेक्स्ट, ये जो आप लाइन खींच रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? जो भी ये बीच में शेयर कर रहे हैं और इसको लाइन खींच रहे हैं वो ना करें प्लीज। सो अभी हमारे जो प्ले स्टोर पर एप्स हैं वो ये सभी हैं, इनको आप देख सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। इमरान ऐप सर्च करेंगे तो आपको ये सारे एप्स वहां पर मिल जाएंगे, लाइक युवा शक्ति है, दिशारी है, हिंदी व्याकरण है, भारतीय संविधान है, ये आइकन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ स्क्रीन शॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ एक आइडिया के लिए। हम बच्चों की दृष्टि से बनाते हैं एप्स को, बच्चों की नजर से बनाने की कोशिश करते हैं कि उनको चीजें कैसे मिले और वो कैसे उनको यूज कर पाए। किसी ने व्हाइट बोर्ड शुरू किया है और व्हाइट बोर्ड पर ये कुछ लाइंस खींची, आप उनको प्लीज डिलीट कर दीजिए वरना मुझे फिर व्हाइट बोर्ड भी ऑफ करना पड़ेगा। यस प्लीज इन लाइंस को डिलीट कर दीजिए। यस, तो अभी हमारे जो एप्स हैं वो मोर देन 80 एप्स हैं, 80 एजुकेशनल एप्स हैं। और ये जो स्लाइड है आप इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअली हमारे वेटिंग में बहुत सारे साथी चल रहे हैं पर हमारी लिमिट है कि हम 100 से ज्यादा कर नहीं सकते। तो आप यहां देखेंगे, यहां पर जो आपको मैप दिखाई दे रहा है इसमें जहां ब्लू कलर दिख रहा है वहां हमारे यूजर्स हैं। अभी हमारे 21 मिलियन यूजर्स हैं, 2,10,00,000 से ज्यादा यूजर्स इन एप्स को यूज करते हैं। आप सोचिए मैं ये चीजें आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम टेक्नोलॉजी सीखना क्यों जरूरी है। एक टीचर जो अपने क्लास में 30-40-50 बच्चों के साथ रहता है, अगर वो टेक्नोलॉजी को यूज करता है तो वो ये उसका एक एग्जाम्पल है कि 21 मिलियन यूजर्स यहाँ पर हमारे अभी मौजूद है, 42 बिलियन स्क्रीन यूज हुए, जहां भी इस मैप में ब्लू कलर देख रहे हैं वहां पर हमारे यूजर्स। ये कुछ 96% यूजर्स हमारे रिटर्निंग यूजर्स हैं। ये कुछ अदर एप्स भी हैं जो काफी काम के हैं, लाइक मेट्रोनल केयर ऐप, इजी योगा ऐप, अमेजिंग अलवर ऐप। अगर आपको टेक्नोलॉजी में कोई सीख आप सीख जाते हैं कुछ चीजों को तो वो मैनिफोल्ड होती है, आप उसको कई कई जगह यूज कर सकते हो। तो शिक्षा के ऐप बनाते बनाते जब मौका मिला तो हमने मेडिकल के लिए भी ऐप बनाए, टूरिज्म के लिए भी ऐप बनाए और कंपटीशन के लिए भी कई सारे ऐप्स बनाए। एक फेमस ऐप जो मैं चाहूंगा कि इस दौरान आप लोग जरूर उसको ट्राई करें और इसको जितना प्रचारित हो सके वो करें, एक हमारा ऐप है दिशारी ऐप, फ्री है, टोटली फ्री। आप यूं मान लीजिए कि वो चलती फिरती कोचिंग है, बच्चों के हाथ में मोबाइल में एक कोचिंग है। इस ऐप में बहुत सारे प्रश्नों का संकलन है, बहुत सारे इसमें ऑनलाइन टेस्ट है जो आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो। अभी हमारे 4,72,000 यूजर्स राजस्थान में इसको यूज करते हैं, लगभग 31,000 प्लस इसके क्वेश्चंस हैं इसमें और लगभग 1,90,00,000 टेस्ट अब तक दिए जा चुके। ये सब एक शिक्षक के रूप में हमने सोचा, हमें ये महसूस हुआ इस बात को, बड़ी शिद्दत से ये चीज महसूस हुई कि जिनके पास संसाधन नहीं है वो तो कभी भी शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कोचिंग क्लासेज में वही जाएगा जिसके पास पैसा है और बहुत सारे पैसे खर्च होंगे तो गांव वाले बच्चों को तो मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमने इन ऐप को बनाया और वो अभी चल रहे हैं। तो ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप टेक्नोलॉजी सीख जाते हैं तो आप किन लोगों की मदद कर पाते हैं ये शायद आपको भी पता नहीं होता। ये बहुत सारे उनके मैसेज बच्चों के आते रहते हैं जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। और अभी हम अलवर शक्ति ऐप पर काम कर रहे हैं। अलवर शक्ति ऐप के बारे में मैंने कल भी जरा सा जिक्र किया था, आज हमारे सम्माननीय कलेक्टर साहब की फेसबुक लाइव सेशन था और काफी उन्होंने अलवर शक्ति की भी बात की। अगर आप फेसबुक पर हैं तो अलवर शक्ति नाम से एक पेज है, उसको लाइक करें और उस अलवर शक्ति पेज में आप देखेंगे कलेक्टर साहब का वीडियो पूरा डला हुआ है।
उन्होंने कोरोना को लेकर के अवेयरनेस के रूप में लोगों से लाइव डिस्कशन किया था, तो उसमें आज अलवर शक्ति ऐप के बारे में भी उन्होंने बात की। इसमें हमने वॉलंटियर सेक्शन भी जोड़ा है, तो आप लोगों से भी आग्रह रहेगा कि कैसे आप इससे कनेक्ट होना चाहें, जरूर कनेक्ट। यस, अलवर शक्ति ऐप के भी कुछ स्टेट्स हैं, लगभग 1,04,000 यूजर्स अलवर के हमारे यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें काफी कंटेंट है, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप खुद इसको ट्राई करें। इसमें एक ओपन फॉर्म भी है, ओपन फॉर्म से मतलब है हमारा कि जहां पर हम लिख सकें, जहां पर हम डिस्कशन कर सकें और विचार विमर्श कर सकें, जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में करते हैं, लेकिन वो पब्लिक, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होता है, तो वो सारी सूचनाएं हमारा प्रशासन देखता है। तो ये कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। यस, हाँ, ये हमारी कुछ डिटेल्स हैं, आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं। वापस मैं स्टॉप स्क्रीन करता हूँ और हम लाइव आते हैं। यस, ये जो मैंने आपको ये सारी बातें जो शेयर की उसका एक मकसद था, उसका मकसद ये था कि हमें एक आत्मविश्वास ये जग जाए कि जब हमारे बीच का एक टीचर ऐसा कर सकता है और इतने लोगों तक पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। इसको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था। मुझे जगह जगह बुलाया जाता है यूनिवर्सिटीज में और वहां पर ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, जैसे टीएलएम को करते हैं ना, भाई इन्होंने कर दिया, तुम तो इंजीनियर हो, तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम तो कर ही सकते हो, तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो मुझे लगा कि हमारे शिक्षक साथियों को भी थोड़ा सा तो पता हो कि चीजें कैसे हुई हैं और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप ब्रॉड विजन में सोचेंगे तो आपको वो सारी चीजें इसमें मिलेंगी। अब हम स्मार्टफोन को कैसे कैसे यूज करते हैं उसके मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको बना रखे हैं। सिंपलेस्ट से शुरू करते हैं, सिंपलेस्ट जिसको आप आज ही शुरू कर दीजिएगा। आप ग्रुप बनाइए अपने क्लास के बच्चों का, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का बना लीजिए। अब उस ग्रुप को आप कैसे यूज करेंगे, आप प्रतिदिन उस ग्रुप में उनके लिए असाइनमेंट दीजिए। आप कागज पे लिख लो कि ये 4-5 प्रश्न है और बच्चों को आज ये करने हैं, आप उसका फोटो वहां पर डाल दीजिए। आपने किया कुछ नहीं, ग्रुप बनाया, ग्रुप में डेट डाल के डाल दी, आज का असाइनमेंट ये 5 प्रश्न, बच्चे उनको करेंगे और उनके पेरेंट्स से कहिए कि जब वो कर लें तो फोटो डाल के वापस यही डाल दें, आप उनको वहीं देख लें। आप देखिए कोरोना में भी बच्चों से आप कनेक्ट हो गए। फिर आपने जब उनको देखा और आपको लगा कि ये कोई बालक है, ये कोई बच्चा ऐसा है जिसको प्रॉब्लम है, ये तो सही नहीं कर रहा है, तो आप उसके पेरेंट्स से बात करें और उससे उसके साथ व्हाट्सएप पर एक बार लाइव हो जाए, उसे पूछे कि बेटा आपने ये किया लेकिन ये तो गलत है और ये ऐसे होना चाहिए। ये सिंपलेस्ट तरीका है एक ऐसे टूल का जिसको हम हमारे हम में से ज्यादातर लोग जिसका 1% यूज करते हैं और 99% मिसयूज करते हैं। मिसयूज से मेरा मतलब है कि इधर से सूचनाएं आई और हम पोस्टमैन की तरह दूसरी तरफ भेज देते हैं। हम करते क्या है, पोस्टमैन बन जाते हैं, सूचना आई सूचना आगे भेजी, सूचना आई सूचना आगे भेजी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप इसको क्रिएटिवली सोचें कि ग्रुप बनाइए और उसमें आप नोट शेयर कर सकते हैं। आपको लगा आपको मान लीजिए सौर मंडल पढ़ाना है, आप ढूंढिए यूट्यूब पर कि सौर मंडल के कौन कौन से वीडियोज हैं, आपको पसंद आएगा उनमें से, क्योंकि ये आप डिसाइड करेंगे, टीचर डिसाइड करेगा कि ये 10 वीडियो है, इनमें से कौन सा वीडियो इस स्तर का है कि वो बच्चों को दिखाया जाए। कचरा तो बहुत पड़ा है, आप उसमें से सेलेक्ट कीजिए, उसका लिंक कॉपी करके उस ग्रुप में डाल दीजिए। अब आपके बच्चे उसको देखेंगे, क्योंकि फोन तो वो भी चला रहे हैं पर उनको ये पता नहीं कि क्या देखना है। आप उनके उस समय को भी अपने उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, केवल कोरोना के दौरान नहीं बल्कि उसके बाद भी इसको आप जारी रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप नोट्स बना लीजिए, मान लीजिए आप सेकेंडरी क्लासेस पढ़ा रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं या साइंस पढ़ा रहे हैं, आप डेफिनेटली टीचर हैं तो अच्छे नोट्स बनाने में आप सक्षम, नोट्स बनाइए, उनको मोबाइल से फोटो खींचते हुए उनके पीडीएफ बना लीजिए। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो पीडीएफ बना देते हैं, आप लोगों को पता है, आप फोटो खींचते जाएंगे और उस सबकी एक पीडीएफ बन जाएगी, तो उस पीडीएफ को आप बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए। आपका कोई पैसा नहीं लगा, आपने कोई कागज का प्रिंट भी नहीं लिया, लेकिन आपने बच्चों तक अपनी पहुंच बना ली और उनके लिए कंटेंट भी उपलब्ध करा दिया। नेक्स्ट ये हो सकता है कि आपको लगा कि ये एक प्रश्न ऐसा था जिसको सब बच्चों ने गलत किया, ये एक ये हम मान लेते हैं इक्वेशन थी, कोई भी मान लीजिए कि ये एक इक्वेशन थी जो बच्चों ने गलत की, तो आप उस इक्वेशन को हल करते हुए अपना वीडियो बना लीजिए, चाहे आप कॉपी पर हल कर रहे हैं और उस पे मोबाइल एक बच्चे ने पकड़ा हुआ है और वीडियो बना लिया, आप बोल रहे हैं, उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। आपने सारे बच्चों तक
खुद को पहुंचा दिया, अपने आप को वहां पहुंचा दिया। और पेरेंट्स ने अगर ये देखा तो आपके लिए पेरेंट्स के मन में क्या इज्जत बढ़ने वाली है आप सोच भी नहीं सकते कि आप कोरोना के दौरान भी उन बच्चों की चिंता कर रहे हैं, आप इस अवधि में भी ये चिंतित हैं कि आपके बच्चे पढ़ने में होशियार रहे, पढ़ने में, और आपके लिए छुट्टियों का काम, राइट। तो आपका जो मैंने सबसे सिंपल जो मेथड था वो आपको बताया। दूसरा, सजेस्ट वीडियो फ्रॉम यूट्यूब विच हेल्प इन टीचिंग द चैप्टर टू स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको पहले ही उसका जिक्र कर दिया। मैं सिर्फ वीडियो तक ही क्यों रोकूंगा, ऐसे और भी टूल्स हो सकते हैं, वो एक पीडीएफ इमेज हो सकती है, वो वीडियो हो सकता है, वो कोई एनिमेशन हो सकता है, वो कोई जीफ इमेज हो सकती है, वो कोई पर्टिकुलर ऐप भी हो सकता है। अभी मैं बहुत सारे ऐप्स बताऊंगा आपको, आप उनको एक्सप्लोर कीजिएगा, तब फिर उनके लिंक आप बच्चों को भेज दीजिए तो आपने उनको एंगेज कर लिया। थोड़े स्मार्ट हैं तो अपना यूट्यूब चैनल बना लीजिए और बच्चों को यूट्यूब चैनल भेजकर सब्सक्राइब करवा लीजिए, फिर आप क्लास लीजिए उसकी यूट्यूब चैनल पर, रोज रोज आधा घंटा ले लीजिए। आधा घंटा आप रोज ले रहे हैं, आपका कंटेंट जनरेट होता जा रहा है, धीरे धीरे आपका पूरा सब्जेक्ट का कंटेंट हो गया, उसके बाद आपको लेने की जरूरत ही नहीं, आप उसी सेशन को बच्चे कितनी बार भी देख सकते हैं। ऑडियो में काम कर सकते हैं। मुझे याद है हमारे एक साथी हैं दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी की आवाज बड़ी जब है, जबकि हर आदमी का कोई ना कोई हुनर होता है, कोई बोलते अच्छे हैं, कोई लिखते अच्छे हैं, कोई डांस अच्छा करते हैं, राइट। तो उनकी आवाज बड़ी प्यारी है, वो इतने अच्छे से चीजों को प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने ऑडियो के जिंगल्स बनाए छोटे छोटे, 1 मिनट का 2 मिनट का 3 मिनट का। हमारे साथ लक्ष्मी जैन मैडम योगी, मैंने इनका भी देखा था, इन्होंने जो स्टोरीज होती है, प्रेरक प्रसंग होते हैं, उनके छोटे छोटे ऑडियो क्लिप्स बनाए और उन ऑडियो क्लिप्स को वो भेज देते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि चलो हम अपनी बात बोल के कहें, अच्छे से कहें, तो वो एक मैसेज, क्योंकि देखो लिखे से बेहतर बोला हुआ, और बोले हुए से बेहतर जिसमें वीडियो भी है और बोला हुआ भी है, यानी ऑडियो विजुअल हो गया, ठीक है। टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद इमेज, इमेज के बाद आपका ऑडियो मान लेंगे, और ऑडियो विजुअल, तो ये चार जो है स्टेज उनको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम जूम, जूम क्यों आपसे बार बार जूम की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये जूम सेशन टीचर्स के साथ तो इसलिए कि आप लोग भी नई टेक्नोलॉजी से परिचित हो, आपको भी ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, केवल प्राइवेट सेक्टर के या फिर कंपनियों में काम करने वाले लोग यूज नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, आप खुद भी जूम सेशन ले सकते हैं। लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ बात कर सकते हैं। आज का ही मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, महावीर सिंह चौधरी एक प्रिंसिपल है नंगली जामावत में, कल मैं उनको ये जूम के बारे में बता रहा था और कल वो इसको ज्वाइन नहीं कर पाए, तो शाम को उन्होंने मुझे पर्सनली, हमने बात की और जूम के बारे में उन्होंने जूम सीखा, और उसके बाद 100 पूरे चल रहे बेटा नहीं कर सकते, तो उसके बाद ये हुआ कि आज उन्होंने अपने स्टाफ की जूम पे मीटिंग ली, वो 5 या 6 का स्टाफ है और हेडमास्टर है वो, तो हेडमास्टर साहब ने जूम पे सबकी मीटिंग ले ली, निश्चित है कि उन्होंने कोई स्कूल को लेकर चिंतन किया होगा, बच्चों को लेकर चिंतन किया होगा। आप देखिए कि इस दौर में हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या नहीं कर सकते। प्रशासन ने तो हमें आदेशित किया हुआ है घर से बाहर मत निकलो, पर टेक्नोलॉजी ने हमसे कह रखा है मन में जहां घूमो, जूम के माध्यम से आप चाहे जहां जा सकते हैं, राइट। तो एक ये मेथड हो सकता है। टाइम हमारा 46 मिनट हो गया है और मैं एक्चुअली मेरा पीरियड थोड़े ज्यादा लंबे चलते हैं ऐसा कुछ लगता है मुझे, तो मैं जल्दी जल्दी 3-4 पॉइंट और बता दूं, और आप लोग चाहोगे तो लास्ट में जो लोग बोलना चाहेंगे, मैं धावरे जी से कहूंगा कि चैट एक बार आप देखते रहे सर, और 3-4 लोगों के प्रश्न हम जरूर लेना चाहेंगे, तो धावरे जी प्लीज चैट देखते रहे और जो 3-4 लोग हैं आप उनको चैट पे ही बता दें कि भाई आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ एप्स की मैं बात कर रहा था, घर पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप चाहते हो कि मैथ्स अच्छी हो जाए, मैथमेटिक्स अच्छी हो जाए, एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, खान अकेडमी एक वेबसाइट भी है और ऐप भी है, खान अकेडमी इंडियन नहीं है, यूएस का है, और खान पे मत जाना कि खान का है तो क्या है, ऐसे नहीं सोचना है, खान अकेडमी है उसको यूज करें, मैथमेटिक्स का वर्ल्ड वाइड बेस्ट, क्योंकि उसने यूएस से शुरुआत की थी और वो फ्री है, टोटली फ्री, मतलब उसका कुछ नहीं है, फाउंडेशन की तरह उसने बनाया, और गूगल ने और माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बड़ी फंडिंग देकर उसको सपोर्ट किया है, वो मैथ्स का एकदम बेस्ट है, वो प्राइमरी क्या प्री प्राइमरी से शुरू होता है और वो आपको +2 बल्कि ऊपर तक ले जाता है, और उसका जो तरीका है चीजों को सिस्टमेटिक उसमें चलती है, कैसे बच्चों की प्रोफाइल बनती है, तो आप उसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा।
अगर आपको दिक्कत आती है तो आपके घर पे कोई बच्चा ऐसा हो जो 8वीं 7वीं 6ठी यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ 5वीं में पढ़ता है, तो उससे कह दो कि बेटा तू खान अकेडमी चला, वही आपको बता देगा कि वो क्या टूटा है। मैं घर पे अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाता, आपको तो पता है मैं आजकल कुछ ज्यादा VIP हो रहा हूँ, तो मेरा काम खान अकेडमी कर देती है, राइट। खान अकेडमी पे वो अपने आप बच्चे पढ़ लेते हैं। इसके अलावा इंग्लिश हम लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश में दिक्कत आती है। मैंने ये बहुत उस तरह सोचे कि मैथ्स में दिक्कत आती है, इंग्लिश में दिक्कत आती है और साइंस में दिक्कत आती है। तो इंग्लिश में आप हेलो इंग्लिश ऐप ट्राई करें, हेलो इंग्लिश तो आप खुद भी ट्राई करें, बच्चों को ही नहीं आपके लिए बहुत जरूरी है, वो आपको बहुत सारी चीजें उसके माध्यम से आप सीख पाएंगे। आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना चाहते हैं और बच्चों को भी चाहते हैं कि वो अभी से ही बहुत ब्रॉड सोचने लगे, उनसे कहिए टेड टॉक नियमित रूप से सुनना शुरू कर दें, न्यूज चैनल्स को सुनना बंद कर दें, टेड टॉक शुरू कर दें। आपको लगेगा दुनिया बहुत खूबसूरत है और इसमें करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है और हम कर सकते हैं। तो टेड टॉक में क्या होता है, सौभाग्य से मुझे भी टेड प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का मौका मिला है, मेरे भी वहां पर स्पीच है। टेड में जिसने कुछ स्पेशल किया हो वर्ल्ड वाइड, बहुत मतलब चुनिंदा लोग होते हैं, शायद अलवर में कोई भी टेड स्पीकर नहीं रहा हो, उनको इनवाइट किया जाता है और उनकी एक फिक्स 15 मिनट की, 15 मिनट से कम हो सकती है, 15 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकती, इतने टाइम की एक टॉक होती है। कोई बहुत VIP है तो और इम्पोर्टेंट बात चलती तो बढ़ती है, वरना इस टाइम की एक टॉक होती है और उस टॉक को एक मंच पे किया जाता है जहाँ ऑडिटोरियम वगैरह में, और उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसको टेड प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाता है। तो बेस्ट टॉक यानी कि जो दुनिया के बेस्ट लोग हैं जिन्होंने कुछ स्पेशल किया है, उनके विचार, उन्होंने कैसे किया, उनकी स्टोरी, वो इसको होती है। तो मोटिवेशन का उससे बढ़िया स्रोत कोई नहीं हो सकता। एक लैंग्वेज का ऐप की मैं और बात करूंगा क्योंकि उसके बिना अधूरी रह जाएगी और फिर कंपटीशन के एक जो है पास, बोलो, गूगल का एक ऐप है बोलो, ये आप आज ही ट्राई कीजिएगा, BOLO। बोलो ऐप में ये होता है कि टेक्स्ट लिखा हुआ आता है बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कलरफुल बुक्स होती हैं, और उसको देख के बच्चों को पढ़ना होता है, और जैसे ही बच्चा गलत होता है तो तुरंत बताता है कि आपने इस पैराग्राफ में मान लीजिए 200 वर्ड्स थे तो आपने इसमें से 180 सही पढ़े हैं, ये 20 गलत पढ़े हैं और इनका सही प्रोनंसिएशन ये है। आप सोच नहीं सकते वो कितना जबरदस्त ऐप है, आप उसको जरूर ट्राई कीजिए। बोलो कंपटीशन के लिए, कंपटीशन में तो एक तो क्या है, कंपटीशन के बच्चे जो होते हैं यानी +2 के बाद के बच्चे, हमने दिशा रही अब आपको सजेस्ट किया है, पर वो इतने एक्सप्लोर करने में सक्षम होते हैं कि वो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऐप कंपटीशन के, उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म है जो बेंगलोर से शुरू हुआ है, हमारे जयपुर के ही IAS टॉपर थी रोमन सैनी है और गौरव मुंजाल, डॉक्टर, पहले वो डॉक्टर बने, डॉक्टर से IAS बने, फिर IAS छोड़ दिया, कंपनी खोल ली, उनकी अनअकैडमी है और अनअकैडमी एक अच्छा कंपटीशन का प्लेटफॉर्म है। तो जो बच्चे कोचिंग नहीं ज्वाइन करना कर सकते, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो उसको यूज कर सकते हैं, यद्यपि उसपे कुछ चीजें फ्री हैं, कुछ के लिए उनको पेमेंट करना होता है, तो जितना फ्री है उसको तो यूज करें, बाकी जरूरत पड़े तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, 51 मिनट से ज्यादा हो गए तो मुझे लगता है मेरे लिए काफी है। मैं धावरिया जी को कहूंगा कि आपको अनम्यूट किया है मैंने सर, आप जिसको कहेंगे हम उसको ही अनम्यूट कर देंगे। आज सभी ने इमरान जी की शुरुआत से इस स्थिति में कैसे पहुंचे जानने का अवसर मिला, और यह हम सब के लिए एक प्रेरणास्पद भी है कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और फील्ड में बहुत सारे साथी कर भी रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आज हम कुछ और नया करने की सोचें और अपने बच्चों के लिए जो सजेस्ट किए गए हैं उनके आधार पर, और कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम सर्च कर सकते हैं। कुछ साथियों ने भी फील्ड में बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो और पढ़ाने की नई नई तकनीक के साथ चीजें विकसित भी की हैं। हम भी चाहेंगे कि उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर कभी कभी अवसर मिलता है तो उनको साझा भी किया जाए, और इसी उम्मीद के साथ मैं आज इस सेशन को समाप्त करना चाहेंगे कि हम सब कुछ न कुछ नया करके अपने बच्चों के लिए
ग्रुप बनाकर उनके पेरेंट्स तक अपने एजुकेशनल सामग्री को पहुंचाएं। धन्यवाद सर। हाँ मैम, बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छा रहा, मोटिवेशनल रहा और नई नई तकनीकों का ज्ञान हमको यहाँ मिल रहा है। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी चीजें यहाँ बताई गई जिनसे हम अपरिचित थे अब तक। बोलो ऐप जिसको मैं आज ही ट्राई करूंगी और ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा और व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे जोड़ सकते हैं और बता सकते हैं उनको, तो बहुत अच्छा हमें मिला। ठीक है मैम, लक्ष्मी थैंक यू सो मच। गिरिराज जी, गिरिराज प्रसाद जी, मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप अपनी बात कहें। गिरिराज नमस्कार। सर मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने तृतीय श्रेणी अध्यापकों का जो मान सम्मान बढ़ाया है कि बाकी का नहीं बढ़ाया। जो टीचर है वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। थैंक यू सर, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। थैंक यू गिरिराज, आगे भी हमें ऐसे प्रेरणा देते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और कोई साथी? ओम प्रकाश स्वामी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश स्वामी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। उमरावल साहब कहना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है। यस प्लीज। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा विभाग के लिए। एक नई टेक्नोलॉजी, नई ऊंचाइयां, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हमारे शिक्षा विभाग के अंदर जो न्यू जनरेशन आ रही है उसको, जो बच्चों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने में और एजुकेशनल के जो एप्स हैं इनसे जो कमजोर बच्चे हैं, जो जो सामान्य बच्चों के साथ नहीं जा सकते, उनको अच्छे प्रकार से हम पढ़ा सकेंगे, समझ पैदा कर सकेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकेंगे। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और मैं चाहूंगा कि इसको हम पूरे जिले के हमारे शिक्षक साथियों से निवेदन करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और अपने ग्रुप है जो तैयार करें और ग्रुप के द्वारा नाम से इस टेक्नोलॉजी का सकारात्मक उपयोग करें। मैं इमरान खान जी को और धावरे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू इमरान साहब। विजय यादव जी प्लीज। यस प्लीज। हेलो, देखो मेरा नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने बताया जैसे बोलो ऐप, अनअकैडमी ऐप, इनके बारे में सर मेरी स्कूल में मैंने काफी पहले इम्प्लीमेंट कर दिया था, बच्चों को बताया जाता, लेकिन अभी थोड़ा एक नोटिफिकेशन आया था कि सरकारी स्कूलों में स्कूल में जाते वक्त को मोबाइल जमा करवाना पड़ता है, तो सर वहाँ कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि सर जो स्कूल की किताबें होती है, आपके जो एप्लीकेशन आपने जो बनाए हैं उनके बारे में वहाँ पर जरूर जानकारी होनी चाहिए बच्चों के लिए, जो कहीं ना कहीं उनको उपयोग ले सके। और साथ ही साथ अनअकैडमी जैसे लर्निंग ऐप है, तो मैं कई बार स्कूल में रुकता हूँ छुट्टी के कम से कम एक दो घंटे बाद भी, तो बच्चों को जैसे लैपटॉप में दिखाकर यूट्यूब, क्योंकि हमारे जो एरिया है थानागाजी का कालेड गांव में, वहां पर नेटवर्क कम आता है, तो लैपटॉप के माध्यम से वो वीडियो चलाकर बच्चों को शॉर्ट में रखें अपनी बात को। आपने जो कहा कि स्कूल में अलाउ नहीं है, तो अभी तो लॉकडाउन है, आप अभी यूज करें, अभी कोई आपको मना नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, अभी भी स्कूल में भी हम ये काम करते हैं, जैसे छुट्टी के बाद जैसे 12 एक बजे छुट्टी हो जाती है या 4 बजे छुट्टी होती है, तो लगभग एक घंटे का हम सेशन रखते हैं, तो वहां पर ये बच्चों को हम सिखा रहे हैं पहले से। बहुत बढ़िया। मैं अब रमेश गोस्वामी जी, इन्होंने हैंड किया हुआ है, रमेश गोस्वामी जी प्लीज। सर प्रणाम, नमस्ते, दावरिया जी को भी मेरा प्रणाम सर, राजगढ़ से बोल रहा हूँ सर मैं। सर वाकई मुझे इतना अच्छा लगा और मोटिवेशनल रूप से, और बिल्कुल सेशन के फिनिश होते ही एक ब्लूप्रिंट और एक क्वेश्चनर बनाने के लिए मेरे अंदर से एक आत्मा से आवाज आ रही है कि यहाँ तक मानते हैं कि भाई इंटीरियर क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ हर किसी दूसरे व्यक्ति के पास आज एंड्रॉइड फोन है, और वाकई हमारे जो घर बैठे हैं इस बहुत मुश्किल समय में, तो मैं आज ही मेरे मन में इस तरह का एक भावना क्रिएट हो गई सर कि मैं बिल्कुल सेशन के बाद ही और छोटी छोटी क्विज और क्वेश्चनर बना करके और मैं ये डेवलप करूंगा सर। ओह ग्रेट, हमारे साथ अशोक जी भी हैं, अशोक कुमार यादव जी, मैं आपको आमंत्रित करूंगा अगर आप बात करना चाहें। अशोक जी
सर नमस्कार, आपके इनिशिएटिव से हम बहुत प्रसन्न हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैं अब समग्र शिक्षा अभियान उमरेंड में पूरे ब्लॉक में इसको इनिशिएटिव को लागू करूंगा। ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। मुझे अभी दिखाई दिए हमारे साथ काफी सीनियर लोग हमारे साथ मौजूद। अशोक जी बहुत अच्छा लगा आप मौजूद हैं, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक दो लोगों को और, रमेश जी हो गए हैं, यस मैम, प्रीता मनराल मैम, यस प्लीज एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद करें सर। हाँ सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका नाम मैंने बहुत सुना था लेकिन आज मैं आपसे रूबरू हुई और आपने जो जानकारी दी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीडीओ ऑफिस का मैम कि उन्होंने हमें कहा सर, सर, कर बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि हम काफी एक और विष्णु जोशी जी, मैं आपको और इनवाइट करता हूं प्लीज। विष्णु जोशी जी, यस जी सर, जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। आज के सेशन से सबसे बड़ी बात तो सर ये निकली, विष्णु जी कहां हो पहले ये बताओ। सर मैं भाई तिजारा से हूँ। तिजारा से हो, स्कूल टीचर? हाँ जी, यस हाँ जी, यूपीएस भाई जी। ओके सर, सबसे खुशी की बात तो ये है कि आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो मोबाइल और टेक्नोलॉजी का जो उपयोग अपने संकुचित दिमाग से कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे आपने एक छीर और नीर का विवेक जगा दिया सर। सही बात तो ये है, यानी कि हमको आज वाकई में एक इस प्रकार की मीटिंग में जुड़ के ऐसा महसूस हो रहा है कि जो आप प्रेरित करना चाहते हो वाकई में हम कर सकते हैं, हमारा स्टाफ भी इससे प्रेरित होगा। मानता हूं कि हम अभावग्रस्त इलाकों में रहते हैं जहां पे अभिभावकों के पास में इतनी सारी तकनीकी सुविधाएं नहीं होती है, लेकिन नहीं होंगी ये सोच के बैठ जाने से ही तो सब कुछ नहीं हो जाएगा ना सर। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विष्णु जी। मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहूंगा, जितने साथी यहाँ मौजूद हैं सबसे एक निवेदन करूंगा कि आप किस तरह के सेशन चाहते हैं। अभी हमने दो टेक्नोलॉजी के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो धावरिया जी को आप जरूर बताएं एक बात। दूसरा टाइमिंग और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताएं, हम उसी तरह के लोगों को आपके साथ इनवाइट करेंगे। लगातार मैं ही बात नहीं करूंगा क्योंकि वो कोई तरीका नहीं है। हम चाहेंगे कि आप में से कोई अच्छा वक्ता जो सोचता है कि मैं 40 मिनट वाकई कुछ ऐसी बात बता सकता हूं जो इम्पोर्टेंट है और जो और लोगों के लिए उपयोगी, तो हम उनको भी इन्वाइट कर सकते हैं। और बाहर से भी हम स्पीकर्स को, धावरिया जी से मैंने कहा है और सीडीओ साहब से भी निवेदन किया है कि हम आउट ऑफ अलवर, क्योंकि जो लोग बाहर के हैं उन्होंने कुछ स्पेशल किया होगा, यहाँ तो हमको एक दूसरे को हम जानते हैं, वो चीज भी हम यहाँ पर लाए, तो हम ये करना चाहेंगे। तो आप अपने विचार निश्चित रूप से धावरिया जी को व्हाट्सएप पर भेजें, और धावरिया जी से आग्रह सबके सामने कि मुझे भी भेजने दो चार अच्छे अच्छे, और बुरे बुरे को आप रख लें, ठीक है सर। थैंक यू सर। तो आज के लिए मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे रेज हैंड है बट टाइम बहुत हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।